you <laughs> हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डेली उदयपुर डेली उदयपुर के आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उदयपुर शहर की एक ऐसी पर्सनालिटी को से जो जिसने जो है वेस्ट से बेस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है उसकी एक नई मिसाल कायम की तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें हम बात करते हैं गुड्डी प्रजापति जी से जो कि जिन्होंने अपनी ये जो जर्नी है स्टार्ट की थी रोड पर पड़े हुए जो पाउचेस होते हैं गुटका पाउचेज ये सब उसको कैसे गैदर किया फिर उसको एक एक वैल्यूबल चीज़ में क्रिएट किया तो उन्हीं से बात करते हैं आज अपनी खुद की शॉप भी चलाते हैं कई सारे लोगों को ट्रेनिंग देती हैं स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेला है तो उन्हीं उनकी स्टोरी उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं गुड्डी जी पहले तो बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे चैनल पर तो आज आप बताइए कैसे आपने स्टार्ट किया था ये जो इको हर्ट जो आपने अपनी शॉप का नाम दिया है जब स्टार्ट किया था तो क्या सोच थी और कि, किस लेवल से स्टार्ट किया था हाँ नमस्कार जी मेरा गुड्डी हूँ और मैं उदयपुर से हूँ और उदयपुर के लिए ही काम कर रही हूँ और मैं चाहती मेरा समझती कि जो कचरा है वो कचरा नहीं है नहीं। और नहीं बने तो उदयपुर मतलब मेरे घर में बहुत सारे कचरे ऐसे आती थी चीज़ें तो बहुत हार्ट होता था कि नानी और ये लोग कभी ऐसे कचरे को बाहर फेंकते नहीं थे और हम बहुत सारा कचरा बाहर फेंक रहे Sa... तो शुरुआत में तो वो उस समय बचपना था पर उस बचपने को लोगों ने बहुत उत्साहित कर लिया था कि वो जो विमल के पौच होते थे उसका पैरदान बना के सिल के हाथ से और वो बना के खुद के घर में रखा था तो लोगों को बहुत पसंद आया तो फिर लोगों ने बनवाए कि आप हमारे लिए भी बना के दे दो तो हम भी यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ पैसा फिर उन लोगों ने गिफ्ट के थ्रू दिया पर मुझे अच्छा लगा कि अच्छा मतलब इस कचरे से पैसा बन सकता है क्या तो वो तो बचपन से ही चीज़ें आ गई पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम मैं जनरेशन चेंज होते रहे काम काम के थ्रू मैं लोगों से मिलना शुरू किया और मैं एक संस्था में काम कर रही थी जिसका नाम था शिक्षांतर उसमें काम करते उसमें भी वही समझ थी तो मैंने कहा शायद मैं सही जगह पे काम कर रही हूँ और मैंने वहाँ पे बीस साल तक काम किया उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ उस संस्था में काम करते करते मैं वर्कशॉप के लिए जाती थी स्कूल और कॉलेजों में और अलग अलग मोहल्लों में कि हम कचरे को कैसे कम कर सकें तो अच्छा लगता था जब लोग इकट्ठा होकर बहुत सारे लोग एक साथ में हम लोग काम करते थे पर कुछ समय कुछ लोग होते थे जो उसको यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोगों का ऐसा था कि नहीं कचरे से बनाया इसलिए हम घर में यूज़ नहीं करेंगे और उसको सजाने के लिए रख लेंगे पर आ, काम जि, रोज़मर्रा जिंदगी में काम में नहीं लाएंगे तो फिर मुझे खुद पे सवाल उठे कि या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या लोगों को बेवकूफ़ बना ले जो समय जो जा रहा है ये मेरा वेस्ट में निकल रहा है और इससे मुझे कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है और फिर चिंता सताने लगे कि हो क्या रहा है मैं कर क्या रही हूँ मेरा खुद के सवाल बहुत बढ़ने लगे तो मुझे लगा खुद को यूज़ करना पड़ेगा खुद के जीवन में इसको उतारेंगे और लोगों को दिखना चाहिए कि कुछ हो सकता है और ये हो रहा है तो इसकी वैल्यूज़ है तो उस वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए फिर मैंने इकोहट शुरू किया और इक्वट की शुरुआत जब करी थी तो कोई मेरे पास कोई पैसा नहीं लगाया जीरो बैलेंस से इसकी इसकी खूबसूरती इकोहट की कि जीरो बैलेंस से इसको शुरुआत करी और आ, समझने के लिए कि मैं जिन लोगों के साथ में मेरा रिलेशन था तो मैंने उनको बोला कि आपकी आर्ट बहुत अच्छी है आप बहुत तो अच्छा काम कर रहे हो तो क्या आप हाँ, मेरे साथ में काम जुड़ के काम करोगे क्या तो लोगों को लगता है घर में बैठ के क्या आर्ट है और इसको क्या आर्ट बोलते हैं क्या तो मेरी नज़र में वो आर्ट थी पर उनकी नज़र में शायद वो वैल्यूज़ नहीं थी तो मैंने उनको ये बोला कि आप बैग बनाते तो आप बना के मुझे दे दो मैं रख के देखती हूँ एक महीना इसका क्या रिस्पॉन्स है क्या पता नहीं पर एक महीना ट्राई करने में क्या जा रहा है तो ऐसे रिलेशन थे तो उन्होंने हाँ भी कर लिया सपोर्ट भी किया तो सब क्या था कि हाँ ठीक है आप करो हम पैसा दे देंगे आपको कितना पैसा तो मेरे को पैसे से की जो वैल्यूज थी उसको भी एक तोड़ना था कि रिश्ते पैसे से नहीं बनते रिश्ते अपने व्यवहार और वो जो चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखती है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है आपको किस नज़र से इंसान देखता है तो उसके साथ में फिर उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया था उन्हें रखना शुरू किया तो बेग थे बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी चीज़ें जैसे सीताफल के जो बीज होते हैं अच्छा। सीताफल सूखे हुए जो सीताफल होते हैं उसके कीचेन जिसमें उनका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा है और कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें बन जाए तो जैसे वेस्ट से बना हमारा जो बिल्कुल बारीक जो वेस्ट दर्जी का वेस्ट निकल जाता है उससे हमने थोड़ा कीचन डिज़ाइन किया वो चीज़ें इस तरह की चीज़ें हमने थोड़ा थोड़ा रखना शुरू किया और उन लोगों को अच्छा भी लगा उन्होंने सपोर्ट किया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं आ, मतलब लोगों को लगने लगा बाहर जो कहते थे वो लोग कहते हैं अच्छा हम बना सकते हैं क्या अच्छा हम यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं हम बाहर क्यों पैसा दे रहे हैं हम मुझे बहुत अच्छी लगी ये यूनिक चीज़ है ये ऐसे कचरे से कैसे बन गया इतना सुंदर कैसे बन गया तो ये सवाल जब आना तो मेरे को एक एनर्जी मिल गई थी कि नहीं नहीं इसकी वैल्यूज़ तो हाँ लोगों को भी समझ में आ रही चीज़ें फिर हम मैं अकेली कर रही थी तो हमारे साथ में दो और लोग जुड़ गए थे मेरे पार्टनर बन गए थे वो रितेश शेखावत और विशाल सिंह हम फिर हम तीनों ने हम तीनों की थीम एक ही थी उनकी भी समझ ये थी कि नेचर के रितेश का ने, समझ थी कि नेचर के साथ में जुड़ के और हम नेचर से हमने लेना सीखा है तो हम देना कैसे सीखे तो वो समझ उनकी भी थी तो वो भी बहुत सारी इन चीज़ों पे ही काम करते थे फिर विशाल भी वेस्ट को लेके बहुत सारा काम कर रहे थे तो तीनों की समझ एक जगह थी तो हमने कहा हम क्यों अलग अलग बन के हम एक साथ मिल कुछ काम करते हैं तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और सपोर्ट भी मिलेगा मुझे भी तो अच्छे से एग्री हो गए थे और हम साथ में मिलके अभी चार पाँच साल से हम लोग साथ में काम भी कर रहे हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था तो जैसे आपके हस्बैंड और आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा था क्योंकि जनरली देखिए वेस्ट गैदर करके और कलेक्ट करके फिर उसको क्रिएट करना तो जनरली घर वालों का रिएक्शन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओ तब तक मुझे नहीं लगता कि थोड़ा नेगेटिव कुछ रहा होगा हाँ नेगेट थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि हमारे रिवाज नहीं प्रजापत समाज से हों तो हमारा घूंघट रहता है घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और दूसरा के ऐसे माहौल में काम करें जहाँ पे सारे जेंट्स लोग हैं कोई लेडीज़ नहीं है तो बहुत सारे सवाल थे और बहुत संघर्ष था मेरे लिए कि मार्केट में जा खड़े होके और आप किसी के सामने चैलेंज वाला काम कर रहे हो और जिस काम की कोई समझ नहीं लोगों में तो ये क्या कर लेगी ये क्यों कर रही है फालतू का काम है ये अच्छे नहीं लगते लोगों के सामने हमारा मतलब कैसे शेयर क्या करें हम कि कचरे पे काम करती है तो वो सब चीज़ें थी पर थोड़ा सपोर्ट मुझे मिल गया था कि उनको समझ आने लगा कि ठीक है एक साल दो साल मैंने बोला कि मुझे दे दो फिर जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार पर दो चाल दो साल मुझे चाहिए मेरे खुद की कुछ करने की इच्छा है उसको बढ़ाने के लिए तो उस पर उन्होंने एग्रीमेंट पर हाँ कर ली और उसके साथ में बच्चे भी छोटे थे तो उनको भी संभालना घर पे पूरा टाइम देना है और ये सारा काम करना समाज के सारे फंक्शन अटेंड करने वो सारी चीज़ें भी है पर ऐसे था कि लास्ट जब दो साल में अर्निंग नहीं हुई अर्निंग ऐसे हो अर्निंग होना शुरू हुआ पर जो पैसा आ रहा था वो उसी में लग रहा था तो घर वालों के सवाल आया कि पैसा तो कुछ आ नहीं रहा है खर्चे कुछ बहुत सारे बढ़ रहे हैं और तुम कर क्या रहे हो तो फिर मैंने कहा आप संतुष्ट हो कि ये सबसे पहला सवाल है फिर उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कि नहीं काम अच्छा है सब कुछ अच्छा है तुम अच्छा कर रहे हो तो मतलब लोगों के नजरों में तुम्हारी वैल्यूज है वो मैं मानता अच्छा आपने अभी नेचर की बात की थी और अभी होली अप्रोच कर रही मतलब अप्रोचिंग है ना तो आप कैसे काम कर रहे हैं कि जैसे कलर्स होते हैं सिंथेटिक कलर्स होते हैं हमने सुना है कि आप हर्बल गुलाल करके भी अपना कोई प्रोडक्ट जो है निकाला है आपने स्टार्ट किया है मार्केट में उसके बारे में भी कैसे उसको क्रिएट मतलब कैसे आप वो गुलाल बनाते हैं क्या हर्बल गुलाल जो हम अभी बना रहे हैं वो अरारोट का बेस है हमारा और चुकंदर से बना रहे हल्दी से बना रहे और ये अपना क्या नाम है सोना घेरू इन चार पाँच चीज़ों से, से हम लोग कलर बना रहे हैं और ग्रीन कलर बना रहे हैं हम के से तो इसकी वैल्यू जिस गुलाल हमने क्यों बनाना स्टार्ट किया उसके पीछे थोड़ी अलग समझ थी कि लोग त्यौहारों को वेलकमिंग ढंग से नहीं करें और डरने लग गए कि नहीं मतलब त्योहार खाली एक फेज से दिखावा हो गया तो बस दस पंद्रह मिनट के लिए आप इधर एक दूसरे से मिल लिया और हो गया त्यौहार और इतना सारा केमिकल है तो लोगों से पूछते थे कि आप होली क्यों नहीं खेल रहे कितना तो सारा बाहर मार्केट में केमिकल लगाएंगे लोग और बाहर निकलेंगे तो हमारे तीन चार दिन हफ्ते तक चेहरे ठीक नहीं होगा ये सब चीज़ें तो हमें लगा कि हम कर क्या रहे नेचर के साथ हम काम कर रहे हैं नेचर की बातें कर रहे हैं और इधर सब ये अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें वो ख़त्म होती जा रही है तो हम तीनों ने मिलके फिर हमने इस पर थोड़ा काम करना शुरू किया और दो तीन साल हमने खुद ने बना के हम खुद के लिए यूज़ करते थे और उसके बेनिफिट्स हमें दिखे तो बहुत अच्छे दिखे कि वो अगर आपकी स्किन पर लग गया तो कोई नुकसान नहीं है अरारोट जो मक्के का कॉर्नफ्लावर है चुकंदर कोई नुकसान वाली बात नहीं रचके कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं हल्दी कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं तो ये तीन चार कलरों को हमने लेके और एक्सपीरियंस करके फिर हमने लोग अपने दोस्तों में शेयर किया और उसने भी रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर हमने इसको मार्केट में रखा है और अभी हम लोग कलर बना रहे हैं दो सौ तीन सौ क्विंटल हमारा निकलता है हर साल का और वो महिलाएं हैं जो घर के आसपास की महिलाएं हैं वही वहाँ पे आती है वही काम कर रही हैं और हमारा मकसद है हमारा के मतलब सब वुमेंस के लिए काम करना तो वो तो एक बड़ी बात नहीं है सब लोग ही करें पर हमारा मकसद है उन महिलाओं को जिनको नीड है काम की और जिनकी स्थिति ठीक नहीं है जो कुछ करने की लगन है कोई समझ है उनको कि मुझे कुछ करना है लाइफ में उन लोगों को फिर हम सपोर्ट करते हैं इस तरीके तो आप जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और समाज से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं तो बस मेरा आपसे यही आपके लिए दुआ है कि जिस तरीके से मैंने आपको पिछले पाँच छः सालों में ग्रो करते हुए देखा आपको आगे भी अल्लाह जो है और तरक्की दे तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं गुड्डी जी की जो पार्टनर है जिक्र उन्होंने किया था रितेश जी आ, उनसे बात करते आ, रितेश जी आपका भी बहुत, बहुत स्वागत है चैनल पे आ, आप ये बताएं कि आप गुड्डी जी से कैसे एसोसिएट हुए और कहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे मिले और क्या आपकी आ, तो हम लोग आ, मेरा पहला इंटरेस्ट था इन चीज़ों में नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे कुछ कुछ बनाने में तो uh, स्वराज यूनिवर्सिटी करके एक उदयपुर में है तो वहाँ हम लोग अलग अलग, अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं विथ फ्यू वैल्यूज़ की जो कि सोशल जस्टिस के साथ में हो हेल्दी लिविंग हो और सेल्फ लर्न हो और uh, um, इसी तरह से इन्वायरमेंट के साथ में हो तो एक्सप्लोर करते करते मेरा नेचुरल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आया एंड आई वाज डूइंग ये ज्वेलरी वगैरह हम लोग पहले इनिशियली मैंने काफ़ी बनाया नेचुरल मटेरियल से बैम्बू से काफ़ी किया न्यूज़पेपर से किया सो एवरी थिंग यूजफुल मेरा शुरू से इंटरेस्ट है कि कैसे हम ना यूज़ वाली चीज़ें निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों से हाँ तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू ज्वेलरी या फिर uh, हाथ से चीज़ें करने में बेसिकली और लैम्प शेड्स और ये सब कुछ कुछ किया था मैंने और करते करते गुड्डी से मिलना हुआ शिक्षान्तर करके एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे और उन्होंने शेयर किया कि वो इस तरह का कुछ शुरू कर रहे हैं तो आप क्या आपने चीज़ें वहाँ रखना चाहोगे तो मैंने कहा कि ठीक है सो so, इस तरह से हम लोग पहले इनिशियली मैं जस्ट उन्हें सप्लाई कर रही थी अपनी जो भी चीज़ें बनाती थी पर धीरे धीरे और इन्वॉलमेंट हुआ हमारा टू मेक और मैनेजमेंट की तरफ उन्हें हेल्प चाहिए थी अकाउंटिंग की तरफ हेल्प चाहिए थी तो वो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है तो उसमें धीरे धीरे हम लोगों ने मिलजुल के शुरू किया सो so, वो करने के बाद पता लगता है कि अपनी पढ़ाई और जो एक्चुअल में करना है वो बहुत डिफरेंट है इट्स ऑल लर्निंग है जो चार साल की अभी मैं पूछने वाला था ये चीज़ की जैसे कि अब पेरेंट्स हैं आपने पढ़ाई कर ली है एंड वो चाहते हैं कि यार यू हैव है डिग्री इन सब सर्टन थिंग्स तो जॉब करो ना यार क्यों फालतू इन चीज़ों में पढ़ रहे हो क्या क्या करियर है क्या है तो so, उनको कैसे उस बेरियर को कैसे आपने उनको कैसे समझाया है मेरे घर पे जैसे आ, मेरे भैया और मम्मा और इन लोग ऑलरेडी तो थोड़ा इन सब चीज़ों की तरफ इंटरेस्टेड हैं इनकी तरफ झुकाव है कि कैसे नेचुरल चीज़ें जैसे मेरी मम्मा खुद नेचुरल नेचुरल मतलब अच्छी कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं भैया काफ़ी एक्सप्लोर करते रहते हैं तो उन लोगों उन भैया भा, के थ्रू ही मैं अपने इस फील्ड में आई हूँ तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था दैट वॉज अ लाइक बेस्ट पॉइंट फॉर मी

कम हार्मफुल है है कैसे उसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करें ये सारे कलर्स हमारे जितने भी सिक्स सेवन शेड्स हैं ये सारा लाइक like, काफी हद तक नेचुरल है जो अपने मार्केट में अवेलेबल कलर्स हैं उससे नाइन्टी नाइन परसेंट ये आप कह सकते हैं नाइन्टी एट परसेंट सेफ हैं अब जैसे इंडिगो वाला जो है वो हम भले ही मार्केट में जो अवेलेबल इंडिगो है उससे बना रहे हैं तो वो इट कैन नॉट बी इन द अगर आप कहें कि खा लें तो वो नहीं हो सकता बाकी अदर कलर्स लाइक बीट रूट से है हल्दी है रिचका है अगर एक बार मुंह में चली जाए तो टेंशन नहीं है सो इट्स लाइक पूरा नेचुरल है अरारूट बेस है उसमें ये सारी हर्ब्स ही जा रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट्स वाली चीज़ तो है ही नहीं अंटे न उनको पर्टिकुलर इन चीज़ों से एलर्जी हो तो सेफ है और पानी सेव कर सकते हो आप सिर्फ अच्छे हेल्दी कलर्स हैं उनके साथ खेल सकते हो लोकली अवेलेबल है हैंडमेड है एंड वी आर आल्सो ओपन अगर किसी को सीखना है तो सीख सकते हैं ये घंटाघर के पास में गणेश घाटी पे ही शॉप है हमारी लाइक वेरी नोन फ्यू स्टेप्स पे ही हनुमान जी का मंदिर उसके पास में है तो एनी वन कम कम दोस्तों अगर आप कोई कलर्स वगैरह भी लेना चाहें होली के उस पर आ, तो यहाँ घंटाघर पुलिस स्टेशन के जो सामने एक छोटी सी गली है वहाँ ये आउटलेट लोकेटेड है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है आ, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब मैं शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं और इस बार जैसे कि मैम ने बताया कि ये जो कलर्स हैं ये नेचुरल कलर्स हैं हर्बली इसको बनाया गया मीन यूजिंग सर्टन थिंग सम फ्लावर्स एंड ऑल दैट तो मेरा भी सजेशन आपको यही है कि जो 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 केमिकल से जो कलर्स बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए भी और आइज़ के लिए भी उनको छोड़कर इन कलर्स पे स्विच करें और इनको यूज़ करें थैंक यू